टॉप 10 आपकी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। सीमेंस के कल नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, क्वार्टर फोर के, सितंबर एंडिंग कंपनी है ये, अच्छे नंबर्स आए में 25%, ईबीटा में 36% का जंप और मार्जिन्स 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। दूसरे नंबर पर रखा है मैंने जोमैटो, चर्चा में लगातार आ ही रहा है, अलीपे का जो बढ़िया 3.5% के आसपास का चंक था ट्रांजैक्ट हो गया ब्लॉक विंडो में, यानी आसान शब्दों में बढ़िया डिमांड है अभी भी स्टॉक को लेकर, रेडार पर रखिए जोमैटो को। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसने अपने जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के धंधे को बेच दिया है, प्रमोटर एंटिटी को बेचा गया है जिसमें एक इन्वेस्टर भी शामिल है, $1 बिलियन के मूल्यांकन पे ये स्टॉक आज रडार पे रहेगा। पीसीबीएल, कल बाजार बंद होते से अपडेट आया कि पुणे की एक एक्वा फार्म केमिकल्स को 3,800 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदने जा रही है। टाटा पावर का अपडेट आया कि इसकी सब्सिडियरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 200 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। रडार पर रहेगा बीएचईएल, दो खबरें हैं दरअसल, फ्रांस की कंपनी के साथ जेवी है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोकल कंटेंट मैक्सिमाइज करने के लिए, और दूसरा अपडेट ऐसे हैं कि 2900 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है सुपर रैपिड गन के लिए, तो ये स्टॉक इसीलिए फिर से रडार पे आता हुआ। हैवेल्स इंडिया ने अपने ब्रांड लॉयड्स के लिए करार कराए, मिडल ईस्ट रीजन में लॉयड्स का ब्रांड मार्केट किया जाएगा, बेचा जाएगा। वरुण बेवरेजेस ने ऐसे ही एक मोजाम्बिक में अपनी सब्सिडी खड़ी करी है, उस मोजाम्बिक के बाजार में अपनी बेवरेजेस बेचने की तैयारी कर रहा है। बीपीसीएल, आज वो दिन आ गया, बहुत अच्छे ओएमसीज में मूव आए थे जब से अनाउंसमेंट आया था बीपीसीएल के इंटरिम डिविडेंड का, आज बोर्ड की बैठक है, बीपीसीएल के अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करेगा, और फाइनली दो स्टॉक्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। दरअसल सरकारी कंपनी इरिडा की आज लिस्टिंग होनी है और उसके दोनों पीयर्स आपकी स्क्रीन पे, लिस्टिंग 10 बजे के आसपास, देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है, देखते हैं किस तरह का रब ऑफ यहां पे आता है। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। स्टॉक्स इन न्यूज के एक